Wow. Wow. She's hot. पेपर पढ़ा? शहर के नामी ग्रामी उद्योगपति राहुल बजाज ने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लगता है वाकई में कल्लुक का जमाना आ गया। अक्सर ये सुनने में आता था कि एक पत्नी ने पति से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश करी। और आज जमाना ये आ गया है कि बेचारा एक पति अपनी पत्नी से तंग होकर आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। डार्लिंग, लेकिन तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना? कम ऑन जयवीर, मुझे ऐसी औरतों के साथ कंपेयर मत करो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I know that. पापा पुसी पुसी। पापा पुसी पुसी। Yes बेटा। पुसी पुसी पुसी। पुसी कैट पुसी कैट वेयर हैव यू बीन? आई बीन टू लंदन टू विजिट अ क्वीन। पुसी कैट पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर? I frightened a little mouse under the chair. Come, my bacha. Papa loves you, baby. Okay, John, I'm leaving. Sure. अच्छा खाने में क्या भेजूं? Come on, love. You know my favorite, aloo tomato. Meri tomato. Bye. Okay, bye. Get some tea for me. ये मैं सुबह से कैसी हरकतें कर रहा हूँ यार? क्या कर रहा हूँ मैं सुबह से? न्यूज़पेपर में, रोड पे, सिग्नल पे, स्टेयरकेस पे, यहाँ तक कि ऑफिस में भी सिर्फ लड़कियों को ही देख रहा हूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां क्यों नजर आ रही है यार? क्यों क्यों मोहित, ये तेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब तेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हाँ चुन बोल। देख कल संडे है और कल का लंच तू मेरे साथ मेरे घर में कर रहा है। ओके यार, वैसे भी मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं कल आके बात करता हूँ। ओके, भूलना मत। चल बाय। घर में कोई है ही नहीं। कहाँ चले गए दोनों? दिया, हे बोरा, अर्जुन, मोहित। अरे यार ये बेटा आओ। अबे मुझे लगा हम दोनों को लंच पे बुला के तू खुद ही कहीं निकल गया भाभी को। कैसा है यार? अबे मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? कैसे हैं भाई साहब? बस बढ़िया। अरे भाभी इसको क्या खिला रहे हो, इतना मोटा कैसे हो गए? एक्सरसाइज नहीं की इसलिए ऐसा लग रहा है। कहां भाई साहब, आप लोग इतना काम करते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं आप लोग। वो तो है, सही है। दिया कहां है ये बताइए? भाभी वो तो इतनी एक्साइटेड है कि आप लोग आ रहे हैं, वो सुबह से किचन में लगी हुई है। सो स्वीट ऑफर है, सो स्वीट ऑफर। मैं इसको देखती हूं जाके, पता नहीं क्या क्या बना डालेगी। आप लोग बातें कीजिए। हां जाइए जाइए। दिया हाय लेना, आजा किचन में आना। अबे तेरी। और बताओ लाइफ कैसे चल रही है यार? बस तुझे तो पता है काम धंधे में बिजी रहते हैं यार। इतने दिन बाद यार, कभी कभार हमें भी याद कर लिया करे। तो आ तो गया ना। इतना कुछ क्यों बनाया तूने, क्या जरूरत थी? बस ये देखो,
अर्जुन और मोहित भाई साहब के फेवरेट डिश बना रही हूँ। आज संडे जो है, वरना पूरा वीक पता नहीं खाना खाते भी है या नहीं। इनको कुछ नहीं सूझता है, बस ऑफिस और हम, इसके अलावा इनकी कोई जिंदगी नहीं है। फ्लावर अच्छे हैं यार, कहाँ से लिए? फूल यार तुझे तो पता है ना, मुझे फूल कितने पसंद है। आई लव फ्लावर्स। मालूम है बेटा, सब मालूम है। अभी फूल से याद आया, क्या यार, वो कल मैंने लंच तेरे साथ किया है। अभी मेरे साथ कब किया? मैं तो कल ऑफिस की मीटिंग में था। समझा कर यार, कल मैं किसी लड़की के साथ था। अब बाय चांस दिया तेरे से पूछ ले तो प्लीज यार संभाल लेना यार, प्लीज यार, हां प्लीज यार। तू यार कभी सुधरेगा नहीं। अब इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी, इतना प्यारा बच्चा है तेरा, और अब देखो अभी भी काम की बातें कर रहे हैं। तू तेरा लेक्चर बंद करेगा? मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, सही कह रहा हूं। पता नहीं तू ये सब करता क्यों है यार। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को बाद में पता चलेगा। करने दे ही नहीं, सब कुछ हमारे लिए तो करते हैं ना, इतना प्यार है हमसे। तेरे को मालूम है आदमी ऐसा क्यों करता है? मेरे को देख, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं दियो को उतना प्यार नहीं कर पा रहा हूं यार जितना मुझे उसे करना चाहिए। और जब से मैं ये सब करने लगा हूं, तब से मैं दियो को और ज्यादा प्यार करने लगा हूं, पता है। एंड दिया सिंपली लव्स मी यार, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे इतना प्यार करूं कि क्या बताऊं यार। एग्जैक्टली, ये तो बस ऑफिस में घुसे रहेंगे या हमारी या बच्चों की फिक्र करते रहेंगे, कभी किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइफ नहीं है। चल बाहर चलते हैं, एक मस्त सिगरेट मारते हैं और तेरे को एक अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ और फिर समझाता हूँ। चल चल। अबे भाभी को तो बोल। हाँ दिया, हम लोग थोड़ा बाहर जाके आ रहे हैं, तुम लोग लंच रेडी रखो। सुनो, लंच के टाइम तक फिर प्लीज आ जाना। हाँ हाँ आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। वेयर इज द शुगर चंपू? और बता यार क्या हो रहा है। गॉड, क्या यार तू भी सारा दिन घर में बैठा रहता है। आ जा यहाँ बैठते। एक्सक्यूज मी, वन मिनट, टू कॉफी। तुम्हें पता नहीं चंपू, मुझे 2 स्पून शुगर लगते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, डैम इट। रिलैक्स, यू आर सो लकी यार, क्या पति मिला है तुझे यार। ओह सीरियसली, चंपू पटेल, जैसा नाम वैसा ही काम। क्या बात करी है यार। तो क्या यार, चंपू जी जैसा आज्ञाकारी पति मिलना तो लाखों में एक बात है। अरे यार तेरी तो हर बात मानता है, लेकिन इसके अलावा इसकी लॉयल्टी, इसकी तो हद ही नहीं है। हाँ यार, दूसरों की छोड़, हम तो तुम्हारी पुरानी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आज तक चंपू जी ने कभी हमारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें हमारा नाम भी नहीं मालूम होगा। बोलिए ना, प्लीज टेल अस योर नेम, प्लीज। ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट। क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं यार, वही। अबे वो देख, उस बेचारे को सब लोग मिलके मार रहे हैं यार। अबे हाँ चल, हम भी हाथ साफ करते हैं। अबे चलना, बहुत मजा आएगा। चल मार, एक और मार। चल मार, रिलैक्स, हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, अब प्लीज। दरवाजा खोल, बैठ जल्दी बैठ। बेटा तेरी किस्मत अच्छी है जो हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इसकी हालत देख रहे, यही है तेरा फ्यूचर।
ये हाँ मेरा फ्यूचर यस। अबे पागल हो गया क्या, कुछ भी बोल रहा, डरा रहा मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। लोग समझते क्या हो, 8 साल मेरे साथ क्या हुआ तुमको मालूम है? तुम लोग को कुछ मालूम नहीं। एवरी टाइम शी ह्यूमिलेट्स मी विथ हर फ्रेंड्स विथ हर रिलेटिव्स, हर बार मुझे कितना जलील करती है। उसकी जो फ्रेंड्स है ना, वो मुझे टीज करती है, वो मुझे एक्साइट करती है, और इसलिए आज मैंने उनको मजा चखा लिया। तू कभी भी कुछ भी करेगा, अबे तेरी कोई इज्जत इज्जत है कि नहीं? तू गाड़ी चला यार। मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे देगी, छोड़ेगी नहीं। छोड़ ना यार, जो हो गया सो हो गया। इतनी देर हो गई ना, ये लोग अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। लो आ भी गए। अबे मेरी बीवी है वो, तेरी भाभी है, छोड़ मोहित। चंपू को भूत में आ गया क्या? तेरे शर्म नहीं? तेरे को शर्म नहीं? बेशरम बेशरम, तेरे को शर्म नहीं? मेरी बीवी को छेड़ा तूने, मेरी बीवी को छेड़ा, अपने दोस्त की बीवी को छेड़ा तूने, अबे तेरी तो। अरे मोहित क्या क्या हो गया, घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? क्यों माफी किस लिए मांग रहे हो मोहित? इतना लेट हो गए, तो क्या बात हुई है? वो लेट हो गया ना, इसलिए माफी मांग रहा था। क्या यार, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलें। कूल यार, बच्चे आते होंगे, कितना लेट हो गए हम लोग, है ना? अरे नैना, लेकिन खाना खा के जाओ ना। दिया प्लीज, बाद में, अभी ना बच्चे आते होंगे। अरे संभल के जाना। अरे लेकिन खाना, वो मुझे अर्जुन से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है भाई, इधर भाई भाई। अब क्या हुआ क्या? मुझे लगता है जो तू कह रहा था एकदम सही कह रहा था। अब आजकल मेरे साथ भी कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है यार, कहीं मेरी आलम चंपू की तरह तो नहीं हो जाए? नहीं नहीं, मेरी मदद कर भाई, कुछ कर, कुछ कर भाई, कुछ कर, कुछ कर। अब आना लाइन पे, डोंट वरी, मैं हूं ना यार, सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत ले। एक काम कर, कल सुबह 11 बजे मुझे मेरे ऑफिस की पार्किंग में मिल। पक्का 11 बजे पहुंच जाऊंगा, पक्का 11 बजे 11 AM शाम। हां पक्का। और तेरे को मैं ऐसे बंदे से मिलूंगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ओके डन, बाय, डोंट वरी, बाय 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 बाय। चलो चलो, लेट हो रहे, जल्दी चलो। ये क्या बात हुई, मैं बात नहीं बात लेना। ओके दिया, बाय। गाड़ी ध्यान से चलाना। अर्जुन कितनी देर कर दी, अब तुम तो लंच करोगे ना मेरे साथ? या बेबी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सॉरी यार लेट हो गया। अरे कितना टाइम यार अर्जुन, यार यार क्या करूं यार, तेरा तो कोई बॉस है नहीं। अबे मेरा तो बॉस है ना, अबे कभी कभी चूर्ण देना पड़ता है यार, वो देके आया हूं। अब लेट हो चुके हैं, चले चल, चल जाने वाले थे ना। चल चल चल। अच्छा सुन, हाँ। गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्यों, मुझे चलानी नहीं आती? बेटा तुझे चलानी तो आती है, पर जहाँ जाना है वो जगह तुझे नहीं मुझे मालूम है। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, चल बैठ यार। चला, देखते हैं आज किससे मिलवाने वाला है। अब देख बेटा, मैं तेरी लाइफ में कैसा ट्विस्ट लेके आता हूँ। चंपू को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहा है आज, तो उसकी गाड़ी भी पटरी पे आ जाएगी। हेलो मेरे दुखी एंड कंफ्यूज्ड हस्बैंड्स, वेलकम टू हैप्पी हस्बैंड्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकर खुशी होगी, जिस लम्हे का इंतजार आप इतने अरसे से कर रहे थे वो लम्हा अब आ चुका है, क्योंकि हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकालकर मिस्टर जयवीर आ चुके हैं, जो आपके कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपको एक अच्छे हस्बैंड बनने में मदद करेंगे। सो प्लीज वेलकम, गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर जयवीर प्लीज। थैंक्स फॉर कमिंग, प्लेजर टू हैव यू। थैंक्स मैन। अब जब आप यहां आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग के जमाने में कोई भी अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। तो जब मरना ही है तो क्यों ना थोड़ा मजा करके मरे यार। भगवान ने आदमी को बनाए इसलिए कि वो कायनात की हर खूबसूरत चीज को निहारे, उसकी तारीफ करे। और मेरे ख्याल से इस पूरी कायनात में औरत से खूबसूरत चीज तो हो ही नहीं सकती यार, चाहे फिर वो जापान हो या फिर अमेरिका, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो या फिर रशिया, चाहे फिर वो चाइना हो या हमारा खुद का इंडिया। दुनिया का हर आदमी जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है, और होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है
तो साला आदमी नहीं है। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की शादी हो ही जाती है, और अगर नहीं होती है तो हम लोग करा देते हैं। और बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि शादी होते ही हम लोग उसे यह एहसास दिलाते हैं कि भाई तेरी शादी हो गई है, अब तू कभी भी किसी पराई लड़की को देखेगा तो पाप है, और अगर उसको पटाया तो वो तो घोर पाप है, घोर पाप। और मुझे हंसी तब आती है जब मैं ऐसे हस्बैंड से मिलता हूं जो शादी के बाद खुद भी यही सोचने लग जाता है कि भाई मेरी शादी हो गई है, अब तो मेरा पैकअप है। पर मैं उसे यह बोलना चाहता हूं कि अगर उसे ऐसा लगता है, इनफैक्ट उसे क्या, आप में से भी किसी को ऐसा लगता है कि अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके मां बाप बहुत अच्छे हैं, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ सुखी है, बट आई एम सॉरी टू से दिस, एक्चुअली में आपकी लाइफ दुखी है। अब आपको लग रहा हो कि लाइफ दुखी क्यों है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, इसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में एक लड़की नहीं है, एक गर्लफ्रेंड नहीं है, तो धिक्कार है आपकी लाइफ पे यार। आपकी लाइफ सूखी कहां से हुई, वो तो फिर सूखी है, सूखी, कंप्लीटली ड्राई। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बोल रहा है, शायद करता भी होगा, लेकिन हम तो शरीफ हैं, हम हमारी वाइफ को धोखा कैसे दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि कभी अगर आपने थोड़े बहुत मजे लूट भी लिए, थोड़े बहुत मजे, तो आपको गिल्ट फील ही ना हो यार। उनकी हर ख्वाहिश, उनकी हर डिमांड आपको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी बाहर गए और आपने अपनी कभी छोटी मोटी डिमांडें पूरी कर भी ली, यू नो व्हाट आई मीन, तो आपको गिल्ट कभी भी फील ना हो, क्योंकि आखिरी में हम सारे हस्बैंड्स भी तो इंसान है ना, हमें भी पूरा हक बनता है, पूरा हक बनता है कि हम लोग भी इंजॉय करें। शादी का मतलब ये नहीं कि सब पैक अप, वी हैव टू एंजॉय, समझा। और मैं चाहता हूं कि आज से 30 से 40 साल बाद, लेट मी फॉरवर्ड योर लाइफ, आज से 30 से 40 साल बाद जब आपका पोता, क्यूट सा सुंदर सा पोता, आपकी गोदी में बैठे और आपसे पूछे कि दादा आपने लाइफ में किया क्या, मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बोले कि बेटा मैंने वो सब कुछ किया जो सबने किया, लेकिन तेरे दादा ने मजा भी किया। सो माय फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू रेज योर फिस्ट इन द एयर एंड रिपीट आफ्टर मी, आई लव माय वाइफ, आई लव माय वाइफ, आई लव माय किड्स, आई लव माय किड्स, I love my parents, I love my parents, and I love myself, I love myself, I have all the right, I have all the right, to enjoy, to enjoy, I don't have any guilt, I don't have any guilt, I don't have any shame, I don't have any shame, and I'm going to live my life to the fullest, and I'm going to live my life to the fullest, because basically, I want to be a happy husband. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि कायनात की सबसे खूबसूरत चीज ही लड़कियां होती हैं, तो हमें इंतजार किस बात का है, लेट्स एंजॉय। Yes.
कैसा ना हुआ? बस बढ़िया यार। यार पता है क्या स्पीच दी तूने यार, मजा आ गया। जब जब तू स्पीच देता ना तब तब मेरे अंदर और भी जुनून आ जाता है। और पता यार तूने मुझे फोन क्यों किया था? यार वो तेरे को बताया था ना, मेरे कुछ दोस्त लोग तेरे से मिलना चाहते हैं। कौन से दोस्त? वो जयवीर जी, क्या एनलाइटनिंग स्पीच थी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। कौन है? पूरी बॉडी में जोश भर दिया। फोटोग्राफ प्लीज। रिलैक्स। ओके रिलैक्स। देख इधर तो आधे से ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं। हाँ, देखा मैंने, देखा। हम लोग रूम में जाते हैं। हाँ ठीक है, और वहाँ बात कर। चल ए मोहित, हम लोगों को बुला रहा है। ए मोहित, अरे चलना, अरे चलना यार। जयवीर, ये है मेरा दोस्त मोहित, और ये है चंपू पटेल। Very nice to meet you, sir. वो क्या है ना कि मोहित का भी वही प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से हर आदमी गुजरता है। एक्चुअली क्या है ना कि मोहित भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, बट आजकल दूसरी लड़कियों की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है। अबे तो ये प्रॉब्लम हुआ क्या? ये तो अच्छी चीज है, अट्रैक्शन इज नाइस। जय मोहित। यार मोहित तू ही बता यार, तेरा क्या प्रॉब्लम है? यार यार मैं एक दिन उठता और अचानक मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता। क्यों पता नहीं, और उस चीज की मुझे गिल्टी फील होती है, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूं तो ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है यार? और अगर हो रहा है तो मैं उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? और अगर मैं अपनी वाइफ के लिए इतना लॉयल, then why the hell this is happening to me? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? अर्जुन, इसने तो अभी कुछ किया नहीं है और इतना गिल्ट भरा हुआ है इसमें। कुछ करेगा ना तो ये तो 100% आत्महत्या कर लेगा यार। पर गलती इसकी नहीं है, क्योंकि ये 9 से 6 की लाइफ में इतना फंस चुका है ना कि इसे मालूम भी नहीं है कि लाइफ तो 6 बजे के बाद ही चालू होती है। कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक आई टू डू समथिंग। अर्जुन तू ऐसा कर, इसको शाम को क्लब लेके आ। उसके बाद इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। हाँ जयवीर, रात को इसको क्लब में पक्का लेके आता हूँ, मजा आ जाएगा। जयवीर सर, मुझे भी आपके साथ क्लब चलना है, प्लीज मुझे भी ले चलो ना सर। चंपू नाम है इसका। चंपू। शक्ल से कितना सीधा लगता है, इसको तो पक्का लेके आना। थैंक यू सर। वेट, वी मस्ट गो, मजा आ जाएगा। डार्लिंग, मैं अर्जुन के साथ उस्ताद वावा खान का तबला वादन सुनने जाऊं, प्लीज। तबला वादन? तुम्हें तबला का टी भी पता है? आई मीन कितना पकाओ है ये सब। डार्लिंग प्लीज जाने दो ना, अर्जुन के पास वीआईपी पास ही जाए, प्लीज। जाओ, मुझे क्या, अगर तुम्हें पकने का इतना ही शौक है, प्लीज गो अहेड। थैंक यू डार्लिंग, सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू, बाय बाय। एक मिनट। क्या हुआ? लेकिन याद रखना, अगर तुम 11 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ओके डार्लिंग, आई विल डेफिनेटली ट्राई बिफोर 11 o'clock। बाय बाय डार्लिंग, सी यू। आज ना चंपू क्या सॉलिड पकने वाला है, यू हैव नो क्लू। गॉड प्रिया, तुम सोई नहीं अभी तक? जयवीर, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम आज जल्दी आ जाओगे और इतनी देर कर दी, और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल फोन भी ऑफ है। प्रिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, फॉरेन से कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। मुझे लगा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर उन्हें कन्विंस करने में इतना टाइम लग गया ना। जयवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे से कभी भी लेट हो जाए ना तो मुझे एक फोन तो कर दिया करो। मैं बहुत टेंस्ड हो जाती हूं। I'm so sorry, प्रिया। आगे से ऐसा नहीं होगा, बस। चलो खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। All right? मैं भी खाना लगाती हूं। I love you. क्या बात है जयवीर, आई थिंक यू आर द बेस्ट मैन। अबे जयवीर, तुझको शर्म नहीं आती है? तू इतने शरीफ लोगों को बिगाड़ रहा है यार। बिगाड़ रहा हूं? आई थिंक यू मिस्टेकन। हाँ, मैं उन्हें बिगाड़ नहीं रहा हूं, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूं यार। तू उनकी मदद नहीं कर रहा, तू उनको एक गहरी खाई में धकेल रहा। खाई।
अबे मैं तो उनको उड़ना सिखा रहा हूँ, एक आजाद पंछी के समान। और वैसे भी एक ही तो लाइफ है यार, सो लेट देम हैव सम फन यार। ला 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 ला। और जो तू तेरी बीवी को धोखा दे रहा है उसका क्या यार? धोखा? अबे तुझे मालूम है कि मैं मेरी बीवी को इतना प्यार करता हूं कि कभी जान भी देनी पड़ी ना तो जान तक दे दूंगा। चल ज्यादा पका मत और ज्यादा समझा भी मत, क्योंकि जयवीर को मालूम है कि वो क्या कर रहा है। तू नहीं सुधरेगा, लेकिन एक दिन जब तेरी बीवी और बच्चों को खो देगा ना तो शायद तुझे अक्कल आ जाएगी। जय, चल जा, तेरी बीवी बुला रही है। हाँ तो जा रहा हूं ना। ला 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 ला। सब चेक कर लिया हमने, ठीक है। जोशी को बोला उसको शाम को आके मिलेगा। जय जय, ये लोग तेरे को थैंक्स करना चाहते हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ अरे मान गए जयवीर जी, आपने तो मेरी बोरिंग लाइफ पे फिर से एक्साइटमेंट डाल दिया। अरे क्या मजा आया था। अच्छा, अरे आपको क्या बताऊं, ये सुबह 9 से 5-6 की लाइफ तो एकदम बोरिंग लगती है, लेकिन कल रात की 9 से 12 की जो लाइफ आपने दिखाई उसकी तो बात ही कुछ और थी। वाओ, वेरी सेक्सी हॉट चिक। अच्छा सज्जनवीर जी, कल की शाम कमाल की शाम थी, सच मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाल उठा जी। मैंने बोला हाल उठा। जय क्या हो? जय क्या हुआ? दोगलेपन की भी हद होती है यार। कल तो ये बोल रहा था मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बीवी के लिए बहुत वफादार हूं, और कल क्लब में उस लड़की ने ऐश कर क्या गा दिया, ये तो सब भूल गया और वाकई में ऐश के मूड में आ गया। मोहित मुझे एक बात बता, तू तेरी बीवी से कितना प्यार करता है? जयवीर जी मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता हूं। तू झूठ बोल रहा मोहित, तूने कभी सोचा है कि अगर तेरी बीवी ने तुझे धोखा देते हुए देख लिया तो उस बेचारे पे क्या बीतेगी? नहीं सोचा ना मोहित? लाइफ इतनी आसान नहीं है, तेरे एक तरफ तेरी प्यारी बीवी है और एक तरफ ये सब ऐश, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जय इसीलिए मैं लोगों को तेरे पास लेके आया हूं। क्यों? मैंने कोई स्कूल खोल रखा है इनको सुधारने का? हाँ अब जय यार मेरा वो मतलब नहीं था। अब आई मीन अब टेंशन क्यों लेता है यार, तेरे दोस्त मतलब मेरे दोस्त। क्या यार जय, तू भी यार, मैं तो टेंशन में आ गया था, डराई दिया था तूने मुझे। मैं तो सिर्फ इनको ये समझा रहा था कि अगर लाइफ को दूरदर्शन से एमटीवी में लेके आना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। राइट। और मोहित मुझे एक बात बता जी, तूने कभी तेरी बीवी से लड़ाई की है? मैंने कभी लड़ाई नहीं की। तो करनी पड़ेगी। लड़ाई की? यस करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में आजाद रहना है तो लड़ाई तो बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे एक झूठी मोटी बनावटी लड़ाई क्यों ना हो। झूठी मोटी लड़ाई? अब सॉरी जयवीर जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो समझाता हूं ना चंपू, देखो कभी कभी एक स्मार्ट हस्बैंड को बेवजह अपनी भोली भाली प्यारी मासूम वाइफ से कैसे लड़ाई करनी पड़ती है। कैसे? हे पूजा। हाय जय, आई एम मिसिंग यू बेबी। जय आज मैं तुम्हें अपने घर पे खाने पे बुलाना चाहती हूँ। खाने पे? सॉरी पूजा, मेरी बीवी मेरा फेवरेट खाना बना रही है, आई कैन नॉट कम। जय लेकिन आज मेरा बर्थडे है, प्लीज बेबी यू हैव टू कम, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ओह शिट, तुम्हारा बर्थडे और तुमने मुझे बताया नहीं। जय वी विल डेफिनेटली कम, डोंट वरी आई विल डू समथिंग। ऑलराइट आई एम कमिंग। लव यू बेबी। प्रिया, प्रिया खाने में क्या बनाया? बहुत भूख लगी है। तुम्हारी फेवरेट टमाटर। टमाटर? टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर टमाटर टमाटर,
दाल में टमाटर, भिंडी में टमाटर, गोभी में टमाटर, बैगन में टमाटर, सुबह टमाटर, दिन में टमाटर, रात को टमाटर, इसमें टमाटर, उसमें टमाटर। लेकिन जैवी, लेकिन ओके कुछ नहीं प्रिया, ये टमाटर खा के मेरा दिमाग टमाटर हो गया है। अरे वाह, तुम्हें तो कहते हो कि आई लव टमाटर, और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है ना तो जाओ बाहर खाओ आज से। हां तो ठीक है ना, आज से बाहर ही खाना खाऊंगा। हां हां तुमको वैसे भी खाना बनाना आता किधर है प्रिया? जाओ तुम्हें जहां जाना है, मैं भी देखती हूं कब तक खाते हो। ऑलराइट बनाऊंगी। तुम रूठे और हम छोटे। क्या समझते? प्रिया से मैंने बेवजह लड़ाई तो कर ली थी, पर उसको मनाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रिया को खुश करने के लिए मैंने एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग ईमेल कर दिया। जयवीर, I missed you. I'm sorry, प्रिया, मैं सुबह तुम पे कुछ ज्यादा ही चला दिया। एक्चुअली ऑफिस का इतना टेंशन होता है ना मुझे। चलता है, तुमने कुछ खाया कि नहीं? कहाँ खाया प्रिया, सिर्फ एक वड़ा पाव खाया था। वड़ा पाव? Yes, वड़ा पाव। सॉरी जय, गलती मेरी है, मैं कुछ ज्यादा ही टमाटर बनाती हूँ। यू आर सो इनोसेंट, आई लव टमाटर जान। ठीक है चलो चलो कुछ खाते। चलो टमाटर खाते। क्या बात है जयवीर जी, आपने कितनी आसानी से भाभी को रुलाया और उतनी ही आसानी से भाभी को मना भी लिया। अरे जयवीर जी, यू आर वेरी स्मार्ट हस्बैंड। या क्या बात है जयवीर जी, अरे आपने तो ये प्रूफ कर दिया कि अगर आदमी चाहे तो एक टमाटर का भी मैटर बना के अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर सकता है। टमाटर तो बहुत बड़ा होता है मोहित, मैं तो कभी कभी एक छोटे से मटर को भी बड़ा सा मैटर बना देता हूँ और लड़ लेता हूँ यार। बिल्कुल सही, कल मेरी बीवी ने मुझे चावल और दाल दी, मैंने चावल को तो साइड में कर दिया और खाली दाल का ही बवाल बना डाला। अरे क्या बात है अर्जुन। तो जाओ अपनी बीवी से लड़ाई करके दिखाओ, और अगर तुम उसमें सफल हो गए तो समझो तुम्हारी ट्रेनिंग चालू। ओके जयवीर जी, हम आज ही अपने घर जाके अपनी बीवी से झगड़ा करेंगे। यस। कमोन मेरे शेर चंपू, यू कैन डू इट। यस। हाय डार्लिंग, मैं आ गया हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारू? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि आज खाने में क्या बनाया है। ऑमलेट ब्रेड। ऑमलेट ब्रेड? हर रोज तुम्हारा ऑमलेट ब्रेड खा के मैं पक चुका हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऑमलेट ब्रेड। जस्ट शट अप, ओके? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऑमलेट ब्रेड तो छोड़ो, कल से बॉयल्ड अंडे खिलाऊंगी। बॉयल्ड एग? हाँ, बॉयल्ड अंडे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पूछो कि मैंने क्या पकाया है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, बहुत उड़ रहे हो तुम। अब जो पकाया ना वो चुपचाप खा लो, और जरा बेडरूम में तो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ लड़ी ऑमलेट ब्रेड। आप आ गए? हाँ। बस खाना भी तैयार हो गया है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगा देती हूँ। क्या बनाया क्या आज खाने में? आज ना मैंने, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि आज तुमने क्या बनाया खाने में? हाँ मैंने आज आलू मटर और आलू मटर नहीं, आलू मटर के साथ पालक पनीर भी है, और छोले, मेथी के पराठे, और आपका फेवरेट गाजर का हलवा। ले खा ले हलवा, तेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी। इतना सारा खाना बनाया तुमने? अरे यार मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम यहाँ वेस्ट कर रही हो। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी इतना खाना बनाने की? हाँ मैं जानती हूँ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो मैंने इतने प्यार से आपका सारा फेवरेट खाना बनाया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पति की इतनी हैसियत तो है कि मैं रोज भी ऐसा खाना बनाऊ ना तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब फ्रेश हो जाइए। आइडिया, इतना ऑयल, इतना ऑयली खाना तुम बच्चों को कैसे खिला सकती हो यार, अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो? आप पिंकी और चिंटू की फिक्र कर रहे हैं, वो तो कब का खाना खा के सो गए। क्या खाना खा लिया? ये खाना खिला तुमने बच्चों को? ये नहीं, वो कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट कस्टर्ड खाकर
होमवर्क करके सोने चले गए। ओके, सोने चले गए, गुड। अब सुनो, ये बेरुखी छोड़ो, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। ओके ओके। मैं अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहा है, वो इतनी स्वीट है कि उसे गुस्सा ही नहीं आता। अब जब किसी को गुस्सा आता ही नहीं है तो अब उससे झगड़ा करोगे तो कैसे? अबे फट्टू, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ करता हूँ। ला तेरी बीवी का नंबर दे। बीवी का नंबर? बीवी का नंबर किस लिए? अबे घबरा मत, कुछ नहीं करूंगा तेरी वाइफ को। नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन नंबर देना। हेलो, ये हेलो मैम, दिस इज रंजीत फ्रॉम फुल एनर्जी स्पा एंड सलून। ओके बोलिए। मैम आपको जानकर खुशी होगी दैट वी आर गिविंग यू 70% डिस्काउंट। व्हाट, 70% डिस्काउंट? यस मैम, और हमारे स्पा की खासियत यह है कि इट्स ओनली फॉर मेन। पर मेरा क्या फायदा, आप तो ओनली मेन स्पा हैं, राइट? मैम इसमें आपके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि हम आपको 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, और दूसरा फायदा ये कि जो आपके पति आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम उनको एकदम तरोताजा कर देते हैं। कभी कभी उनके कमर में दर्द हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, हम सब निकाल देते हैं। यस मैम, दैट्स गुड। ओके, और मैम सबसे खास बात यह है कि हमारा स्पा 24 आवर्स खुला रहता है। आप अपने पति को कभी भी भेज सकती हैं। ओह कूल, आप लोग 24/7 है? यस मैम। एक काम कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए। या यू कैन नोट माय नंबर। या वन सेक। हाँ बताइए। इज 22 44 66 22। ओके, अगर आप उन्हें थोड़ा जल्दी भेजेंगे ना मैम, तो हम उन्हें और डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अब तू घर जाएगा। हाँ। और तू गिर जाएगा। गिर जाऊंगा? एक्टिंग करना, एक्टिंग। अच्छा अच्छा, एक्टिंग करनी है। ओके, तू गिरेगा और तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। कमर में दर्द? और कल तेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग है? अब मैं तुझे गारंटी देता हूं मोहित, तेरी वाइफ तुझे खुद स्पा छोड़ने आएगी। 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट्स बिग। मैं मोहित को पक्का भेजूंगी। और स्पा में मेरा एक कमीना दोस्त है जो कि मैनेजर है, वो सब संभाल लेगा। तू स्पा जाना और 10 मिनट में मेरे ऑफिस आ जाना, फिर रात भर एंजॉय करेंगे। समझ गया, थैंक यू। यस, वेरी मच, थैंक यू। विश मी लक, शाम को मिलके सब बताता हूं। ओके बाय। अरे मोहित। अबे चंपू तू यहाँ? मैं जयवीर जी से मिलने आया हूँ। तो तेरी लाइफ सेट है बेटा। सच मोहित? थैंक यू मोहित, ऑल द बेस्ट। शाम को मिलते हैं। मिलते हैं। ओके बाय। घर जाते ही गिर जाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ना ना ना, मैं बाद में आता हूँ ना। ओके बाय। हे रिलैक्स मैन, शर्माता क्यों है? आप बैठना चंपू। थैंक यू सर, बाय। मिस्टर चंपू, बाय बाय। जयवीर जी, मैं भी आपकी तरह मजे करना चाहता हूं, लेकिन मेरी बीवी इतनी खतरनाक है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। जयवीर जी, पूरे 8 साल हुए मेरी शादी को, पूरे 8 साल, फिर भी मैं अपनी बीवी की चुंगल से निकल नहीं सकता, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। हाँ, मेरा दिल भी कबड्डी करता है। मैं भी आपके जैसा आजाद पंछी की तरह उड़ना। अबे क्या गोदी में बैठेगा, जा उधर बैठ। हर रोज नई नई लैलाओं के साथ लव करता रहूं, बस करता ही रहूं सर। चंपू, तेरी शादी को 8 साल हुए ना, अगर तेरी शादी को 80 साल भी हो गए ना, 80 साल, तो भी तू तेरी बीवी के चंगुल से छूट नहीं पाएगा, बिकॉज बेसिकली यू आर अ फट्टू गाय, अ बिग लूजर। सर जयवीर जी, आपने बहुत कड़वी बात बोली है। ना ना, तुम्हारी वार 16 ना साची छे, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। चंपू चंपू, उदास होने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ी चालाकी दिखाएगा ना, थोड़ी चालाकी, तू भी मेरे जैसे मजे कर सकता है, समझा? थोड़े बहुत तो कर ही लेगा, और मैं हूं ना तेरे साथ, जस्ट कॉल मी एंड आई एम देयर फॉर यू। व्हाट अ फॉर्मूला। तो फिर आज से ये चंपू पटेल, यस चंपू, कमजोर फट्टू आदमी के साथ साथ
एक शातिर, एक चालाक, एक स्मार्ट आदमी बनकर दिखाएगा। Come on, चंपो। Thank you, my friend, philosopher, guide, helpless husband's guru. Thank you very much. You can do it, Champo. Come on. I can do it. जानू, तुम्हें बता जो ऑफिस में मेरे साथ क्या हुआ? क्या? आज बड़े बड़े मोहित, क्या हो गया? आप गिर कैसे गए? कमर? हे भगवान, मोहित, अभी अभी एक सेकंड, दिखाओ मोहित, क्या करूं मैं? नहीं ना, अरे यार, कल ऑफिस में मेरी सुबह सुबह बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग? ऐसे कैसे जाओगे मोहित? क्या करूं मैं? कुछ सोचो, क्या करूं मैं? कुछ सोचो। मोहित, मोहित, यहाँ पास में एक स्पा है। फॉर मैन ओनली, वो आपको ठीक कर देंगे। दे कैन हेल्प यू। हाँ, फॉर मैन ओनली। हाँ जान, फॉर मैन ओनली, वो रात भर आपको मसाज करके ना ठीक कर देंगे। आप सुनो, सुबह वहीं से ऑफिस चले जाना। हाँ, आ जाओ आराम से। क्या? मैं उठ भी नहीं पा रहा। ओ गॉड, जान, मैं घर पे ही आपको गरम पानी से सेक। नहीं, जानू जानू, कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, I'll get up, कोशिश करो, आओ। I'll get up, मम्मी, आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ, ठीक हो? नैना, वो फोर मैन था ना? हाँ जान, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं आपको छोड़ने चल रही हूँ ना, चलो आराम से। Hey, रंजीत, मोहित निकल गया, फिर तो इधर आता ही होगा। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच। हाय जयवीर जी। हे जयवीर जी, आज मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया। अरे जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरी बीवी मुझे खुद मसाज सेंटर तक छोड़ कर आई। ग्रेट मोहित। हाँ, और उसके 10 मिनट के बाद मैं आपके पास आ गया। वो तो आना ही था। आज तूने पहली बार अपनी बीवी को उल्लू बनाया। जी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू मोहित। खाली परफ्यूम की बॉटल, सॉरी, आज तू हसीनाओं से नहीं मिल पाएगा। क्या बात कर रहे हो जयवीर जी, एक मामूली से परफ्यूम के चक्कर में आप इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे कैंसिल कर सकते हो? करना पड़ेगा मोहित, लेकिन क्योंकि औरतों की जो नाक होती है ना, नाक बड़ी खतरनाक होती है। कोई भी खुशबू और कैसी भी बदबू फटाक से पकड़ लेती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। अब लेकिन ये परफ्यूम इतना स्ट्रांग है ना मोहित, कि एक बार लगाता हूं और वर्ल्ड की कोई भी खुशबू तेरी भाभी की नाक को छू भी नहीं पाती है। I'm sorry, जयवीर जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली सी परफ्यूम की बॉटल के चक्कर में आप इतना टेंशन ले रहे हो। टेंशन लेना पड़ेगा मोहित, तुझे मालूम है मेरे दोस्त जिमी के साथ क्या हुआ? शेर जैसा घूमता था, लेकिन एक लेडीज परफ्यूम ने उसको नंगा कर दिया। क्या? और आज तक नंगा घूम रहा है। नंगा घूम रहा है? यस, नंगा घूम रहा है। और साहब कहां चलोगे? लोखंड वाला निकल। साहब क्या परफ्यूम लगाया ले? जब से गाड़ी में आए हो ना, तब से ये गाड़ी चमेली के बाग की तरह खिल गई। अबे मस्का मत लगा, मस्का मत लगा, सीधी सीधी अपनी गाड़ी चला। बड़ा आया चमेली के बाग का माली। अब खाली पीली क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तो आपके परफ्यूम की तारीफ ही कर रहा हूँ। अरे भाड़ में क्या परफ्यूम यार, परफ्यूम क्या तेल लगाने, अपने स्टीयरिंग पे ध्यान दे वरना दूंगा पीछे से एक। ए तमीज से बात कर, आगे देख, चल। ए सुन नीचे कर, चल। ए तमीज से बात कर, चल। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, है ना? वाओ। मुझे अजीब सी महक आ रही है। महक? लेडीज परफ्यूम की। तुम पे से आ रही होगी। जिमी, मैंने आज परफ्यूम ही नहीं लगाया है। देखो, वापस शुरू मत करो प्लीज। एक तो चोरी। क्या, क्या चोरी? ऊपर से सीना चोरी। I'm telling you, क्या करूँ? जानते हो ना मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। मेरी बात सुनो। आज डालूँगी तुम्हें। अबे जंगली है क्या? अबे चम्मा है। चल। ये मेरी गाड़ी वाली चल रही है साहब। मेरी बॉडी देख के जल रहा है क्या? कहाँ पे निकाल के शर्ट नहीं उतार सकता है? वो आगे देख।
यार, जिमी मेरा वेट कर रहा होगा, मुझसे पहले घर पहुंच गया होगा। वहाँ देखो, वो मोटा आदमी। बड़ा मजा आएगा, देखते तो हैं आखिर ये महान हस्ती है कौन। ड्राइवर जरा गाड़ी उस मोटे आदमी के पास लेके चलो। बच्चे भी भाग रहे पीछे। जिमी, अरे तू फूल, अरे बाप रे बाप। जयवीर जी, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि एक मामूली सा परफ्यूम इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी अपने लिए एक ऐसी शीशी खरीद लेनी चाहिए। एक नहीं, दो। दो? अब लेकिन दो क्यों? एक तेरे ऑफिस के लिए और एक तेरे कार के लिए। कार के लिए? यस मोहित, क्योंकि हम जैसे चालू लोग कभी कभी ऑफिस नहीं जाते और अपनी कार में हसीनाओं के साथ कहीं और ही निकल जाते हैं। समझ गया। Cheers. Now who is this? Mohit. Hi Mohit. अब जयवीर जी, मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया कि आज मेरे घर में पार्टी है और आपको आना। पार्टी? हाँ, बस ऐसे ही छोटी सी दोस्तों के लिए गेट टुगेदर रखी थी। मैंने अर्जुन और चंपू को भी फोन कर दिया, वो लोग पहुँचते ही होंगे। अगर आप भी आ जाएंगे तो मेरी पार्टी में चार चांद लग जाएंगे। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। आज का दिन मैंने मेरी वाइफ के लिए रिजर्व रखा हुआ है। यू कैरी ऑन मैन। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। इट्स अ प्रॉमिस मैन, पक्का आऊंगा। ओके जयवीर जी, ओके, बाय 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 बाय। जयवीर, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम मेरे बगैर जी सकते हो? ये क्या सवाल हो प्रिया, और तुम अचानक ये सवाल पूछ क्यों रही हो? जयवीर, किसी ने मुझे बताया था कि मेरी लाइफलाइन बहुत छोटी है। और मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा और सोनू का ख्याल कौन रखेगा। लो, हम भी देखे तुम्हारी लाइफलाइन कितनी छोटी है प्रिया। माय गॉड प्रिया, तुम्हारी लाइफलाइन तो वाकई बहुत छोटी है, लेकिन मेरा हाथ देखो, इसमें तो भगवान ने लाइफलाइन ही नहीं दी है। लेकिन तू भी जी रहा हो ना, तुम्हें मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो प्रिया, और तुम ही मेरी लाइफलाइन हो। तुम नहीं तो मैं नहीं, और तुम्हारे बगैर ना मैं चलूं ना रुकूं, ना जलूं ना बुझूं, ना कहूं ना सुनूं किसी की। बिकॉज यू आर माई जन्नत प्रिया, एंड आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि मर्दों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर 70 साल के भी हो जाएंगे ना ये, तभी भी लड़की छेड़ना नहीं भूलेंगे। बंदर चाहे कितना भी बुरा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता वो। चड्डा जी होंगे बंदर। मुझे तो मोहित पर पूरा भरोसा है। He's my जान। I really love him. I agree. I also simply love Arjun. तो मैं कौन सा हेट करती हूँ उन्हें? I also love my चड्डा जी। जो बीवी हमसे इतना प्यार करती, हमारी इतनी केयर करती, हम लोगों ने धोखा कैसे दे सकते हैं? No. Come on मोहित यार, देख मैं भी बिल्कुल तेरे जैसा हूँ। बट पता क्या है, जब भी किसी हॉट लड़की को देखता हूँ ना यार, कंट्रोल ही नहीं होता। अब तूने की पते की बात। आई थिंक आई हैव टू एग्री विद हिम यार, कंट्रोल ही नहीं होता। मारू तो केवू छे, लाइफ में बीवी होनी ही नहीं चाहिए। नो हैंगर, टोटल फ्रीडम, जस्ट एंजॉय द लाइफ द वे वी वांट। बेटा अभी बुलाता हूँ तेरी बीवी को, है ना? बुला बुला। नहीं नहीं, बुलाता हूँ अभी। लेकिन मैं तो पूरी रिपोर्ट रखती हूँ उनकी। जरा भी किसी के साथ एक्स्ट्रा फ्री होने की कोशिश करते हैं ना वो, तो मैं सीधे लाइन पर लेकर आती हूँ उन्हें। अर्जुन भी कभी कभी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बट अदरवाइज इज हार्मलेस। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ।
मोहित मेरे सिवा किसी को नजर उठा के नहीं देखते। You're so lucky नैना। पाजी कोई टाइम है पार्टी में आने का? कोई बात ही है। वो तने तो पता सटी आदत। कुड़ी ना सी यार। अब पाजी अभी यहाँ यही डिस्कशन चल रहा था। अब आप मुझे ये बताओ कि लड़की को सीक्रेट जगह पर लेकर जाना चाहिए या पब्लिक प्लेस पे? गल्ला तो सुनो चड्डा। ऑब्वियसली यार सीक्रेट प्लेस। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर सीक्रेट जगह पर लेकर जाना चाहिए तो क्यों लेकर जाना चाहिए? बताओ भाई यार, बड़ी सिंपल सी बात है। सुन, जब कुड़ी को तो लेकर जाएगा ना, असली तो कितने शातिर लोग हैं यार, तेरे तो पता है। और परिंदे की मजा सारा पर मार दे। लेकिन अगर आपको किसी ने देख लिया, आई मीन किसी परिंदे ने पर मार दिया, तब क्या करोगे? बैग बुला यार, गल करता है। परिंदे की औकात है उसकी? मैं साले का पर पकड़ के बोलूंगा खोते, तुसी मैनू दसो कि तुसी इत्थे की कर रहे हो यार, की कर रहे हो? साले को काद ही नहीं, साला खुद भी तो मुंह काला कराने आया। अरे ये हैप्पी सिंह जी भी आ गए। हाँ। कुछ भी बोला, बात में पॉइंट है, पॉइंट है। एनु की हो गया यार। तो पाजी आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, इसकी आदत है, हर पार्टी में आता है, पीता है, सो जाता है, इसकी बीवी भी इससे परेशान है। सही गल है ना यार, और तुम्हारी पार्टी इतनी डल है, थोड़ा म्यूजिक लगाओ, बांगड़ा वाला पाते हो। ये इंग्लिश म्यूजिक क्यों लगाया? अरे इससे डांस कैसा करेगा? ओए चंपू यार, इतनी दारू पी ली है, इंग्लिश हिंदी सब बराबर है। ओए बांग्ला बात कर रहे हो? I want to be your lover. I want to wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. It's my favorite crayon. आज सबसे अच्छी पार्टी में कौन लग रही थी? Of course, you, sweetheart. अच्छा, तो मैं ही सबसे अच्छी लग रही थी, हाँ? No doubt about that. Brilliant. You're looking gorgeous. Oh, really? Really? अच्छा. तो एक बात बताओ कि पार्टी में आज मैंने पहना क्या था? बताओ। हाँ, तुमने आज बाल खुले रखे हुए थे। बाल तो मैं हमेशा खुले रखती हूँ, ये बताओ कि मैंने पहना क्या था? अच्छा, हाँ कुछ तो पहना हुआ था तुमने। तुम्हारे माथे पे सितारे की तरह टिमटिमाती हुई बिंदी। ओह क्या बात है, वो तुम्हारे नरम रसीले होठों पे पिंक लिपस्टिक। हाय लस्सी पी के मर जावा। वो तुम्हारा गोल्डन ग्रीन बैकलेस ब्लाउज। वो तुम्हारे मोती के झुमके। वो तुम्हारी लचकीली चाल। अभी बता। और वो तुम्हारी हाई हील्स वाली सैंडल तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हाई हील सैंडल हाँ, हाई हील सैंडल हाँ, हाई हील सैंडल हाँ। जब ये हाई हील सैंडल मुंह पे पड़ती है ना, अर्जुन आज तो तुम्हें पार्टी में बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, बहुत मजा आया, कितनी अच्छी पार्टी थी ना। तो फिर ये बताओ कि पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन लग रहा था? Of course, darling, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम लग रही थी। अच्छा तो फिर तुम और उस चड्डा के लिए भी सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही थी क्या? अर्जुन क्या कह रहे हो? देखो दिया, तुम्हें पता नहीं है वो चड्डा कैसा आदमी है? कैसे आदमी है? अरे एक नंबर का घटिया आदमी है वो, और इस टाइप के आदमियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अर्जुन, और तुम उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? मैं? लेकिन मुझे तो लगा था मिस्टर चड्डा बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान है ना, जैसे तुम तो उसे बहुत पहले से जानती हो। नहीं देखो दिया, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आइंदा से तुमने कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ लेकिन हनी, तुम्हारी नजर में आज पार्टी में सबसे सुंदर लेडी कौन थी? ऑफ कोर्स जानू तुम।
नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ओके बाबा, ये बताओ मेरे बाद कौन थी? तुम्हारे बाद? तुम्हारे बाद आई थिंक मिसेस कालिया। मिसेस कालिया? या ऑफ कोर्स। पर जान, पूरी पार्टी में तो तुम डॉली के साथ डांस कर रहे थे। किसके साथ? डॉली। डॉली? अब पूरी पार्टी में मैंने डॉली के साथ कब डांस किया जानू? डोंट वरी, तुम्हारी गलती नहीं है, डॉली है इतनी हॉट। और मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि 10,000 डॉलियां भी आ जाए ना, तब भी तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। जान, आई लव यू। आई लव यू टू। जेवीर जी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ऑलराइट जी, आप जानते नहीं हो मुझ पे कितना भरोसा करती है यार। वो बेचारी एकदम सीधी है। वो तो बहुत सीधी है, पर मेरे ख्याल से तू उससे भी ज्यादा सीधा है। और तुझे क्या लगता है ये पूरी दुनिया में तू सिर्फ अकेला एक आदमी है जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है? तू अगर 100 जन्म मिलेगा ना, तो मेरे एक जन्म के बराबर प्यार नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते? हाँ, करता हूं। तो फिर आप उसे धोखा कैसे दे सकते हो? धोखा? इसको धोखा नहीं बोलते, इसको हमारी लैंग्वेज में सैक्रिफाइस बोलते हैं। सैक्रिफाइस? या सैक्रिफाइस, मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा सैक्रिफाइस मोहित, हम हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को खुश रखने के लिए कितने पापड़ बेलते मालूम है? हमेशा हमें यह डर रहता है कि कोई हमारे बारे में कुछ बोल ना दे, कोई कुछ देख ना ले। हम हर काम छुप के करते हैं, नहीं तो हमें क्या, हम तो खुले सांड से घूमे और सारी अयाशा करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को बहुत प्यार करते हैं। I'm sorry, जेवीर, मुझे लगता मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। दरअसल मुझे ना एक डर सता रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और कहीं कोई जाकर नैना को ना बता दे। शायद इसलिए मैं अब। मोहित मेरी जान, डोंट यू नो अबाउट नो चुगली कोड जो हमारे मर्दों के बीच में होता है? हाँ, वो अर्जुन ने बताया तो था कि मर्दों के बीच में एक कोड होता है, नो चुगली कोड। लेकिन जयवीर, सीरियसली बताइए, क्या हम लोग उस कोड पे ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? 100%। हाँ, लेकिन एक बात, हमें सिर्फ तीन टाइप के लोगों से बचना पड़ेगा। तीन टाइप के? यस, तीन टाइप के। वो कौन से? पहले नंबर पे वो आते हैं जो होती है हमारी बीवी की सहेलियां और उसके रिश्तेदार, वो हमें कभी भी फंसा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो होते हैं जो होते हैं हमारी बीवी के दुश्मन, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बीवी खुश रहे। और तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे खुद के कट्टर दुश्मन। राइट। कितने कमीने होते हैं तुझको मालूम है? साले मौका ढूंढते हैं कि कैसे फंसाएं। राइट। लेकिन जय, ये जो पहले दो तरह के लोग हैं, इनसे तो आदमी किसी तरह बच जाएगा, लेकिन ये जो तीसरी तरह के, जो हमारे खुद के दुश्मन है, इनसे आदमी कैसे बचेगा? मोहित, देयर्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दैट। क्या? बचो। और कर क्या सकते हैं, बचो। अरे लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ ले फिर? ऐसी कंडीशन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। क्या? यू विल हैव टू सिंपली कंफ्यूज योर एनिमी, जस्ट कंफ्यूज देम। लेकिन कैसे? देख, मैंने अपने सबसे कट्टर दुश्मन चड्डा, उसको कैसे कंफ्यूज किया? उसको घुमा घुमा के इतना कंफ्यूज किया कि आज तक कंफ्यूज घूम रहा है। आओ, तुम्हें स्वर्ग की सैर कराता हूं। और ये है स्वर्ग के दरवाजे की चाबी। यू नॉटी बॉय। अरे कमीना का सर, डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। ओके, हे चड्डा, सलाह कबाब में हड्डी। बेटा, लगता है तुझे भगवान ने भेजा है। हाँ, वो सब तो मालूम है मुझे, लेकिन एक बात बता, ये भाभी तो नहीं दिख रही है मुझे। और तुझे तो मालूम है कि
मुझे मेरी गाय जैसी भाभी की कितनी चिंता अच्छा? लग रही है। really? तेरे पास मोबाइल नंबर होगा ना, ना? देना मुझको प्लीज। अरे रुक बात करनी है, बताओ ना, अर्जेंट बात करनी है, देना मुझे। अरे देता हूं यार, देना। अरे तू छोड़ ना यार, एक मिनट मेरी बात तो सुन। सुन रहा हूं ना, ये जो लड़की है ना बेचारी बहुत दुखी है यार, एक अबला नारी है, इसे लगता है कि इसका कुत्ता हराम खोर पति अंदर किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है यार। Can you imagine this? आप मेरी हेल्प करेंगे ना? मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अब मैं आगे हूँ ना। विक्रम विक्रम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यस विक्रम, मैं हूँ ना। यस विक्रम, मैं हूँ ना। यस मैं, यस उस कमीने को अगर वंदर हुआ, यस मैं उसको गले से पकड़कर कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तू हट जा, एक्सक्यूज मी प्लीज। अबे खोल खोल बे। अबे चाबी है हमारे पास। अरे यार तो फिर पहले बोलना चाहिए था ना। मेरे भाई चिल्लाओ मत, शांत रहो यार, वो डर जाएगा। अबे खोल, खोला। चुप रहो, पीछे हटो, पीछे हटो। खोला क्या? चुप ले रहा। कौन चंडा? खुल गया। आराम से, आराम से। चुप 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 चुप। फंसाएगा यार। अंदर तो कोई है ही नहीं। लक, बेस्ट ऑफ लक। तेरी तो क्या बे? आपने कहा था कि आप मुझे स्वर्ग दिखाएंगे। पर मुझे क्या मालूम था कि रावण इधर आ जाएगा। तुम लोग गप्पे लड़ा रहे हो, अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं अंदर? क्या बात कर रहा है यार? किचन चेक किया? किचन चेक किया तूने? तो अभी मैं आया हूं। क्या बात कर रहा है यार? गया तो गया किधर? अबे लेकिन उल्लू, तूने टॉयलेट चेक किया कि नहीं? चुप 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 चुप। मैं हूं ना। क्या यार, अंदर तो कोई है ही नहीं। अरे इट्स ओके यार, तंग आ चुका हूं यार इसको। मैंने बोला था अंदर कोई नहीं है। अरे नहीं यार, फर्ज है अपना लड़कियों की हेल्प करना। नहीं यार चंदा, दिस इज टू मच। चिल इट आउट यार, आई हैव अर्जेंट मीटिंग। कम ऑन कम ऑन, आई एम गोना ड्रॉप यू नाउ। कम ऑन। अरे मैं छोड़ देता हूं ना। अरे कहां लेके जा रहे हैं? अरे मैं छोड़ दूंगा ना। अरे तेरा कितना टाइम वेस्ट ऑलरेडी कर दिया मैंने। एंड दैट टू फॉर अ स्टूपिड गर्ल। आई एम गोना ड्रॉप, डोंट वरी, आई एम गोना ड्रॉप। मतलब मेरी कॉल मी। क्या उल्लू बनाया यार। ये पोपट तो नहीं कर दिया कहीं मेरा इसने? यार जयवीर भाई आप बहुत स्मार्ट हो यार, आप बहुत स्मार्ट हो। और मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आप मुझे ट्रेन कर रहे हो, मेरे गुरुजी हो। जय हो गुरुजी। अप्पा जी तुझे टू गुड हो यार, टू गुड हो। चल ज्यादा मस्का मत लगा। मस्का नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। समझा ना? अच्छा जयवीर भाई, सपोज कि मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की बिठाई, बहुत खूबसूरत, उसके बाद उसे लेके कहा जाऊं? अबे ये भी मैं ही बताऊं क्या? खुद तो कुछ कर ले यार। तू मुझे ऐसी जगह ढूंढ के दिखा मोहित, जिसको देख के मेरा सीना गर्व से फूल जाए और मुझे ऐसा लगे कि मैं एक सही आदमी पे अपना समय लगा रहा हूं। ओके, अगर ऐसी बात है जयपा जी, तो ये मेरा आपसे वादा है। तो दिन के अंदर आपको ऐसी जगह ढूंढ के दिखाऊंगा जयपा जी। तो दिन, दैट्स इंप्रेसिव मैन। यस, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मोहित। बाय बाय मैन, बाय। लड़का अच्छा है, आगे जाएगा। जय भाई, जय भाई, वो जो आपने मुझे जगह के बारे में कहा था ना जय भाई, वो जगह मैंने ढूंढ लिया। जय भाई, जगह ढूंढ लिया, पर लड़की ढूंढी कि नहीं? लड़की है ना, मेरी सेक्रेटरी है, बहुत सुंदर है जय भाई, और सबसे अच्छी बात ये कि कुंवारी है। कुंवारी? तू बाहर निकल। क्या हुआ? बाहर निकल। लेकिन जय भाई हुआ क्या? जय भाई क्या हुआ यार? जयवीर जी क्या हुआ? कुंवारी लड़की जो होती है ना, वो एक खुले करंट के तार के समान होती है। हाथ लगाया और शॉक। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर उसको तुझसे प्यार हो गया ना, तो यही चाहेगी कि तू तेरी पत्नी को छोड़ दे और तू उससे शादी कर ले। ये तो मैंने सोचा नहीं था यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं क्या करूं यार? अरे मोहित, तेरे पास लड़कियों की कमी है क्या? अरे क्यों चढ़ा रहा है फोकट? अरे कुंवारी नहीं तो शादीशुदा। डॉली डॉली, शट अप चंपो, जितना दिमाग हो रहा उतनी बात किया कर। खुद ने तो कुछ किया नहीं है और उसको समझा रहा है, स्टूपिड। अब क्या? ये शादीशुदा औरतों को पटाने की हिम्मत तो मैंने आज तक नहीं की, तो तुम लोग क्या पटाओगे यार? लेकिन अब उसमें क्या प्रॉब्लम है जय भाई? मतलब क्यों क्यों? एक तो उनके पति से बचो, अपनी पत्नी से बचो, और अगर उन लोगों के बच्चे हुए तो सारा बच्चों से ही बचो। वेरी डिफिकल्ट, बहुत रिस्की है। अरे कुंवारी हो तो प्रॉब्लम, शादीशुदा तो प्रॉब्लम, तो फिर कर कुछ नहीं। सीधा बोलो ना जय भाई, हमारा कुछ नहीं हो सकता क्या यार? डोंट वरी, आई एम विद यू। एक ऑप्शन है। क्या? तुझे इस वक्त एक तलाकशुदा, वो भी करोड़पति तलाकशुदा औरत की जरूरत। तलाकशुदा, वो भी करोड़पति? क्या यार जयवीर भाई, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो यार? तलाकशुदा, वो भी करोड़पति लड़की, इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता? उसका ये फायदा मोहित कि जितना तुम दोनों मिलके नहीं कमाते हो ना,
वो एक महीने में उसका पति उसको देता है। तो वो अगर तेरी छाई तोड़ेगी तो उसको तुझसे शादी करनी पड़ेगी मोहित, समझ जा। और अगर वो मुझसे शादी करती है तो उसका पति जो उसे पैसे दे रहा है वो पैसे देना बंद कर देगा, यानी वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे। राइट राइट, दिमाग है दिमाग है दिमाग। लड़का स्मार्ट हो गया चंपो, कुछ सीख इससे। यस यस, सीख इससे कुछ। यस जयवीर जी, लेकिन जय भाई एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? एक तलाकशुदा, वो भी करोड़पति तलाकशुदा लड़की मुझे कहां मिलेगी जय भाई? मतलब मोहित। हां जय भाई। भगवान तेरे साथ है। अच्छा, और जयवीर भी तेरे साथ, इसलिए अपनी आंखें खुली रख। ओके। और भगवान चाहेगा ना तो लड़की तेरी खुद झोली में आके गिरेगी यार। क्या बात कर रहे हो? भगवान मेरी आंखें खुली और मेरी झोली भी खाली है। दे 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 भगवान, दे दे प्लीज दे दो। सर, आपसे कोई कोमल मजाकर मिलने आई है। कोमल मजाकर, ये कौन है? एनीवेज सेंड हर इन। राइट सर। हाय, आई एम कोमल, कोमल मजाकर। हेलो कोमल जी, प्लीज हैव अ सीट। बताइए कोमल जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, मेरा पिछले साल ही तलाक हुआ है। तलाक? क्या बात है, वेरी गुड। वेरी गुड, आई मीन वेरी बैड, वेरी बैड। नो, एक्चुअली इट्स वेरी गुड। मेरे जो एक्स हस्बैंड है बहुत ही अमीर आदमी है, जो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। पर मैं अकेली औरत कितने पैसे खर्च करूंगी? कितना भी खर्च करूं तब भी 4-5 लाख रुपए बच ही जाते हैं। मैं चाहती हूं मिस्टर मोहित कि आप मेरा पैसा कहीं सही जगह इन्वेस्ट करें। आफ्टर ऑल आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं। अरे ये तो मेरा काम है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा कोमल जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये मेरी खुशनसीबी है जो आप मेरे पास आई। अब देखिए, मैं आपका पैसा शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी कहां कहां इन्वेस्ट करवाता हूं। बस आप मुझे ये बताइए कि कब कहां और कैसे शुरुआत करनी है। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर मोहित? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर डिनर पर चलें। हाँ। इसी बहाने डिनर भी हो जाएगा और हमारी बाकी की सारी बातें भी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कोमल जी। अरे मिल गई मिल गई मिल गई। अबे कौन मिल गई यार? तलाकशुदा औरत। क्या बात कर रहा है? अरे वो भी करोड़पति। वेरी गुड। तूने एक बात नोट की? क्या? जब आदमी तेरे साथ कमीना हो जाता है तो वो मेरे जैसा लकी हो जाता है। राइट राइट। जब मैंने उसका नाम सुना ना, हाँ? तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं कितना लकी साबित होने वाला हूँ। क्या नाम है उसका? कोमल। कोमल? कोमल मजाकर। अबे तो साले जा, मजाक कर रहा है, इधर का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसी के लिए तो कल उसे लंच पे बुलाया। पहले उसे खाना खिलाऊंगा और उसके बाद उसे ब्लैकआउट पब में ले जाकर कोने में तक दिन था। लेकिन ब्लैकआउट पब में कभी अंधेरे में साले ऑल आउट मत हो जाना। कम डाउन, आजा। बारह? क्या हुआ? बारह बारह बताता हूँ। चड्डा, मुझको मेरी बीवी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। समझा? तेरी बीवी वेट कर रही है और हमारी बीवी तो हेलो, एक्सक्यूज मी, गेट आउट, कम ऑन, गेट आउट। लेट मी गो चड्डा, आई डोंट हैव टाइम। ओके, तू नीचे उतर रहा है क्या? मैं उतारू? कम ऑन, आजा चड्डा, आजा आजा। ये ले आ गया, अभी क्या करेगा? बोल। आपने आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट। हाँ स्मार्ट, बोल। बहुत ज्यादा स्मार्ट। हाँ स्मार्ट। देख जयवीर, उस दिन तूने जो मॉल के अंदर मेरे साथ में घटिया और नीच हरकत, हंसने की बात नहीं है। अच्छा भला अपने गर्लफ्रेंड के साथ में मैं घूम रहा था और मेरी बीवी को बीच में लेकर आ गया तू वहां पर, है? वो तो भला हो उस मोटे का जिसके पीछे मैं छुप गया, नहीं तो तूने तो कसम से पूरी बैंड बजा दी थी मेरी। अबे चड्डा, तेरी इतनी सुंदर, इतनी सुशील बीवी है यार, वो अकेले मॉल में घूम रही थी, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं तुम दोनों को मिला दूं? तो मैंने मिला दिया, सिंपल यार। हेलो, कितने उच्च विचार है आपके। आपसे मिला दूं? यही जगह मिली थी मिलाने के लिए? चड्डा, डोंट एक्ट स्मार्ट। चड्डा, डोंट एक्ट। सुनो, उसने जब मैं क्या कहा था? क्या किया था? मैं अच्छा भला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे था, तेरे को क्या खुजली हुई थी? क्या खुजली क्या हुई थी जो मेरी बीवी को लेके आया उधर? डोंट मिक्स अप थिंग्स, वो दोनों अलग चीजें हैं। मैंने तेरी बैंड नहीं बजाई थी वहां पर। साले तूने मेरी बैंड बजाई थी,
इसलिए जानबूझ के मैंने तेरी वाट लगा दी, समझा? अब दिल की बात जुबा पर आ गई है। तो आई है ना, आई है ना? के बैंड बजाई थी, बार बार आएगी। एक बात याद रखना जेवी, हाँ। नंदन, हम दोनों के दोनों एक ही कश्ती के अंदर सवार हैं। हाँ तो जरा सा हिला डुला, ऐसा धक्का मारूंगा कि डूब के बह जाएगा। तू धक्का देगा मुझे अबे सारे, तू धक्का देगा मुझे। तेरे जैसे दस पे जाएंगे चड्डा, तेरे जैसे दस पे जाएंगे ना, तो मुझे धक्का नहीं दे पाएंगे, समझा ना? क्योंकि मैं इतना शातिर हूं ना कि अच्छे अच्छे तूफान से बाहर निकल जाता हूँ। So don't waste my time. I'm going. All right? Are you sure, buddy? Yes, I'm sure. You're challenging me. It's an open challenge, Chadda. It's an open challenge. देखो जो करना कर, चल। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। I accept your challenge. You accepted? चल निकल। याद रखना। तो देखो बाद में। इसकी तो वाट लगा तुम साला। मौका तो मिलने दे जयवीर। ऐसी बैंड बजाऊंगा के पानी तक नहीं मांगेगा। बेटा ये मम्मी लाई है तुम्हारे लिए, चलो इसके साथ फाइट करते हैं। विशुम, मोहित, विशुम, मोहित, प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। वैसे भी आप मम्मा से कब से नहीं मिले हो। नहीं ना, मेरा भी मन है वहाँ जाने का, लेकिन तुम जानती हो ऑफिस में कितना काम है यार। यू नो हाउ मच आई मिस यू, प्लीज प्लीज चलो ना। शिमला जाएंगे बच्चों को लेकर, चंडीगढ़ के कितने पास है। क्यों जिद कर रही हो तुम, जब तुम जानती हो मेरा आना इम्पॉसिबल है तो क्यों जिद कर रही हो? और रही बात बच्चों को शिमला ले जाने की, तो भैया भाभी के साथ चले जाना, उसमें कौन सी बात है। पर मुझे आपके साथ जाना था, हम लोगों का दिल नहीं लगता आपके बिना। आ जा बच्चा, पता है बच्चे आपको कितना मिस करते हैं। अच्छा सुनो, प्लीज ट्राई करना आने की, मैं आपको खुद एयरपोर्ट लेने आऊंगी। ओके बाबा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके हूँ क्या, अब ये क्या बना रखा है? अरे अपनी मम्मी के घर जा रही हो यार, कम ऑन एंजॉय, घूमो फिरो और कुछ दिन के लिए अपने इस पति को भूल जाओ। हाँ माँ के यहाँ जा तो रही हूँ, पर अपना दिल यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। मोहित आपके बिना हम क्या एंजॉय करेंगे? जान मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, पर तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। प्लीज ऐसी बात फिर मत करना। यू नो हाउ मच आई लव यू हनी। I love you too, नैना। और एक बात, जल्दी आने की कोशिश करना प्लीज, बिकॉज आई मिस यू ऑल। मेरी बीवी बच्चों के साथ 10 दिन के लिए मायके गई है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोमल भी ऑलमोस्ट मेरे हाथों में आ चुकी है। टू गुड मोहित, क्या बात है। तो जेवीर मुझे पूछना था कि यार होटल होटल में ले जाने की बजाय अगर सीधा उसे अपने घर ले जाओ तो। खड़ा हो, खड़ा हो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या हो गया यार? क्या हुआ, तुझको शर्म नहीं आती मोहित? तुझे इतना कुछ सिखाया मैंने और तू ये सीखा, तू एक दिन ऐसा फंसेगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट रूल तू भूल गया कि लड़कियों कभी भी अपने खुद के घर पे नहीं लेके आना। लेकिन जेवीर मैं बड़ी आसानी से उसको अपने घर पे लेके जा सकता हूँ। कोई आसानी से, आसानी से माय फुट, आसानी से। मोहित मुझे तुझ पे शर्म आती है, इनफैक्ट मुझे तुझ पे दया आती है, दया। और दया तो मुझे मेरे दोस्त डेविड पे भी आती है। डेविड पे? हाँ डेविड, वो भी तेरे ऐसा डेरशाना था। उसको लगा बड़ी आसानी से लड़की को अपने घर पे लेके जाएगा, लड़की को कार के पीछे की सीट पे लेटाएगा, गाड़ी गैराज के अंदर और वो दोनों घर के अंदर। अब मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अबे नादान, मालूम है उसके साथ क्या हुआ? Hey babe, what are you searching for? क्या ढूंढ रही हो? Oh please, I'm searching for my bra. Bra? पहन के आई भी थी क्या? ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मुझे क्या? मेरा क्या खोया है? Okay, I think I should leave now. Your wife can wear it. What? ये क्या बोल रही हो? Hey,
मेरी वाइफ बेवकूफ है क्या? हटो, मैं ढूंढता हूँ। लेट मी सर्च। हाँ, ढूंढो ढूंढो, ढूंढते रहो। ओके, बाय। एंड यू नो व्हाट? आई हैव सो मेनी ब्रास एट होम, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। But I think you gonna have a problem. Problem? So, dhoondte raho, dhoondte raho, dhoondte raho. Bye. Kya hua? Huh? Thak gaye ho? Haan. मैं भी आज बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। पता है तुम्हें, सारी मार्केट छान मारी और मैंने बेडरूम, लेकिन एक भी मुझे अपने मनपसंद के सैंडल्स नहीं और मिले। मुझे सॉली ब्रा नहीं मिली। और इस वजह से इतनी थकावट हो गई है कि कहाँ गई ब्रा? हाँ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? तो ये क्या है? अरे मिल गई, अरे मिल गई, यही तो मैं ढूंढ रहा था। और तुम्हारी गलती का प्रूफ भी मिल गया है। बाप रे बाप, अरे जयवीर ऐसा भी हो सकता है यार? I'm sorry, लेकिन मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था यार। तो फिर सोच और मेरे साथ रिपीट कर कि लड़की को कभी भी खुद के घर पे नहीं लेके आने का। फिर बीवी चाहे 10 दिन के लिए बाहर गई हो या फिर 3 घंटे के लिए बाहर गई हो। मुझे मालूम है तुझे बहुत मस्ती आई है। अबे फिर आ गया तू, लगता फिर पकाए, लेकिन ये मस्ती तेरी कश्ती डुबो देगी। तब तुझे समझ में आएगा, मेरी कश्ती को डुबोने वाले खुद डूब जाएंगे लेकिन मेरी कश्ती को हिला भी नहीं पाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है जयवीर। तेरा दुश्मन चड्डा तेरे पीछे लग चुका है, होशियार रहना। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे चड्डे बहुत देखे मैंने, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है मेरा। लगता तू कभी नहीं सुधरेगा। जय, जा, तेरी बीवी बुला रही है। हाँ तो जा रहा हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? चलो चलो गो, चलो 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 गो, चलो चलो गो, चलो 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 गो। यही आपकी खास बात है, आदमी कितना भी टेंशन में एकदम से टेंशन फ्री कर देते। अबे टेंशन से अच्छा याद है, तूने मुझे इधर बुलाया क्यों? Why? Tell me why? देख रहा, फिर वही बात हुई ना, आपको देख के टेंशन फ्री हो गया। हकीकत में मेरी लगी पड़ी है। आपको पता? हाँ। कोमल को जहां भी लेके जाता हूँ सब लोग मुझे ऐसा लगता है जैसे सब लोग सिर्फ मुझे ही शक की निगाहों से देख रहे हैं। इसका भी इलाज है मेरे पास। बेटा ये ले मेरे बेनामी गेस्ट हाउस की चाबी। क्या बात कर रहे हो, आपके गेस्ट हाउस की? वो भी पनवेल के घने जंगलों में। जंगल में मंगल, मंगल। और सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ इसके लिए मैं अपने नौकरों को भी लात मार दूंगा। जयवीर भाई, सो नाइस ऑफ यू यार, आप मेरी कितनी मदद करते हो। कबूतर भी बेटा पर नहीं मारेगा। कोमल को लेके जा और कोमल के साथ मजे कर। टेंशन मत ले। लेकिन अगर किसी ने मुझे देख लिया और मेरी बीवी को बता दिया तो मेरी लग जाएगी, आप समझ रहे हो ना मैं? ओके मोहित, आई थिंक यू रीच द स्टेज कि अब तुझे मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। कौन सी? सोच कि जो सब ये तेरा डर है वो तेरे साथ वाकई में होता है। अरे यार क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, आपके पैर पकड़ता हूँ, मजाक में भी ऐसी बात मत बोलो। आपको पता है कभी कभी मुझे निकली बात सच हो जाती है। डोंट वरी, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट सोच कि जो तू सोच रहा है, जो तेरा डर है, अगर वाकई में हो जाता है तो तू क्या करेगा? तुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है, तू हर इल्जाम को, हर बात को झूठ कहकर नकार देना। सिंपली नकार देना। लेकिन जयवीर भाई ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी बीवी को हकीकत का पता लग जाए तब? तो दुश्मन की साजिश कहकर उसको भी नकार देना। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं बेटा, सिंपली डिनाय डिनाय एंड डिनाय। कमीने और होशियार दोस्त ने क्या किया,
वो तो तेरे से भी बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंसा था। अच्छा? उसकी बीवी ने तो उसके घर के अंदर, उसके रूम के अंदर एक लड़की के साथ उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उसने अपना कुत्ता दिमाग चलाया और बड़ी आसानी से इतने खतरनाक टेंशन से भी बाहर आ गया। निकल गया? कैसे? बड़ी सोनी कुड़ी है। तुसी पंजाब देखिया सी? हां जी। देखिया सी? तो फिर दिखा देंगे तुहानू मेरी जान। व्हाट अ कुड़ी यू आर। वाह। ओ जी, ये कुड़ी कौन है? ओ केड़ी कुड़ी यार। ओ चुआ 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 कितने चुआ। ओ की गल करती यार। ओ देख ओ देख थल्ले पड़ गया। ओए ओए आ देख आ देख किन्ना वाला चुआ। ओ चुआ चुआ ओ चुआ चुआ चुआ। असे चुआ पड़ गए तुसी जा। ओ इत्ते 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 किथे चुआ? किथे चुआ? ते है ही नहीं। ओ तेरी चुआ किथे गया? ओ कुड़ी किधर गई? ओ असी ख्वाब देख रहे, चुआ ते है ही नहीं। कुड़ी किधर गई? केड़ी कुड़ी? ऐसी कुड़ी सी गई। ओ सोनियो, मेनू लगदा है असी भी ख्वाब देख रहे सी, तुसी भी ख्वाब देख रहे सी। नहीं नहीं कुड़ी, कोई नहीं ख्वाब देख रहे सी यार, थक गए सी। यू डू वन थिंग, यू फॉरगेट अबाउट दिस ब्लडी चुआ, गो टू किचन एंड मेक सम भजिया एंड ब्रिंग वन गरम चाय। तू एवी टेंशन लेंदी रहंदी है, चल जा। इतनी सोनी बीवी है मेरी। ओके हो गया, आई लव यू, वेरी गुड। एवी मेहनत ही शक्कर सी। कम ऑन यार, बड़ी प्रॉब्लम है यार, दो दो कुड़ियों को संभालना बड़ा औखा काम है, पर असी तो ग्रेट सरदार हैं यार, सब संभालेंगे असी। अच्छा, ऐसे आदमी को देख के तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है और मेरा दिल करता है कि उसे मैं बार बार सलूट मारूं। सैल्यूट। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी ऐसा बनके दिखाओ। बिल्कुल जय भाई, बिल्कुल। आज फिर आपने मेरे अंदर बारूद भर दिया है। कमल, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कमल। तुझे ये जान के बहुत खुशी होगी मोहित कि अब तू पूरा तैयार हो गया। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं पूरा तैयार हो गया, पूरा तैयार हो गया मैं। और इसी खुशी में मैं तुझे एक फाइनल गुरु मंत्र देता हूं। क्या बात कर रहे हो? तू निशाना साधेगा और तेरा हर निशाना पॉइंट पे लगेगा। फटाक सटाक फटाक। तेरी राम में लड़कियां बिच जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? देवी जी प्लीज, आप मुझे जल्दी से आपका गुरु मंत्र दीजिए। प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी। ये जो कोमल है ना, कोमल जिसको तू बहुत लाइक करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तू कोमल से भी बोर हो जाएगा और तेरा दिल एक नई लड़की को देख के छलांगे मारेगा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, फिर? लेकिन कोमल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। इसमें क्या बात है जय भाई? मैं कोमल के पास जाऊंगा और बोल दूंगा, सी कोमल, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद यू एनीमोर, ओके बाय। मोहित, तुझे क्या लगता है आसान है ये? अगर कोमल को तू विदाउट किसी रीजन छोड़ने की कोशिश करेगा ना, तो वो तुझे बर्बाद कर देगा। जो औरत का गुस्सा होता है वो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने तो भगवान भी एक बार घुटने टेक देता है। राइट। इसलिए माय फ्रेंड, तुझे तेरा दिमाग यूज करना पड़ेगा और उसके दिमाग में यह आइडिया डालना पड़ेगा कि वो तुझे बोले, तू उसे नहीं बोले, वो तुझे बोले कि मोहित मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरी जिंदगी से बाहर हो जाओ। नहीं जय भाई, लेकिन वो मुझे आकर क्यों बोलेगी? छोड़ना तो मैं उसे चाहता हूँ ना। मोहित, तू जितना शातिर होगा ना, तू उतना ही चतुर हो जाएगा। दुनिया में कैसे कैसे लोग पढ़े तुझको मालूम है? नहीं वो सब। देख मेरे दोस्त भल्ला ने कितनी आसानी से उसका पुराना छल्ला आउट किया और नया छल्ला अंदर लेके आ गया। कैसे? हाय हैंसम, रेडी फॉर द पार्टी? भल्ला, तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो गई? इतना सस्ता नेकलेस? तुम इतने प्यार से लाए हो तो पहन लेती हूँ। अब सस्ता तो क्या, घटिया नेकलेस भी नहीं ला सकता ये भल्ला तुम्हारे लिए। बर्बाद हो गया भल्ला, शेयर मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया ना, मेरी सारी फैक्ट्रियां बिक गई, कर्जा चढ़ गया मुझ पे। अब क्या करोगे भल्ला? अब मैं नहीं, हम करेंगे। हम करेंगे? हाँ है ना, पिछले 5 साल में जितनी एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया ना, वो तुम मुझे वापस कर दो। हाँ, मैं उन्हें बेच के कुछ पैसा खड़ा करूंगा ताकि मैं इन कर्जानों का मुंह तो बंद कर सकूं। हाँ, और क्या ना कि मैंने ये कालीन, ये झूमर, ये फर्नीचर, इस मकान का भी
सौदा तय कर दिया है। घर बेच दिया? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए विरार में एक वन रूम किचन विदाउट लिफ्ट ले लिया है। हम दोनों वहीं रहेंगे। विदाउट लिफ्ट? हाँ, और मैंने ना तुम्हारे लिए एक नौकरी भी तलाश कर ली है। 6,000 रुपीज पर मंथ विदाउट कन्वेंस। नौकरी? हाँ, हम लोग ना रोज चर्च गेट से विरार, विरार से चर्च गेट अप डाउन करेंगे। ट्रेन? तुम फिक्र मत करो, अगर हम लोग ऐसी मेहनत करते रहे ना तो 20 साल के अंदर अंदर हम लोग ऋण मुक्त हो जाएंगे। भल्ला, वो क्या है ना कि मैं तुम पे अब बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊं। और क्या है ना कि अब मैं अपना खर्चा भी नहीं करवाना चाहती तुमसे, अब इसलिए मैं मम्मी के घर चली जाऊंगी। पर तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? I love you, Hina. भल्ला, पुअर भल्ला, मैं एक्चुअली पुअर भल्ला। आज तक तुमने मेरी कोई बात टाली है? मैं चली जाऊंगी ना तो तुम अपने बिजनेस में भी ध्यान दे पाओगे। प्लीज मुझे जाने दो। तुम ठीक कह रही हो हिना, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। दिल पे ये बोझ लेके जीऊंगा मैं। आई लव यू हिना, आई लव यू। और हाँ, टुनटुन आएगा। टुनटुन? हाँ, उसे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट वाला पैकेट दे देना। जी लूंगा। और हाँ, शाम तक ये मकान खाली कर देना। बिक चुका है, बिक चुका है। और हाँ ना, आई लव यू। इसी के सहारे जी लूंगा मैं, जी लूंगा इसी के सहारे। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। डार्लिंग, तुम्हारे मकान का टोकन देकर आ रहा हूँ। Let's party, babe, let's party. So just enjoy, enjoy, and enjoy. Enjoy! Yes. Hello? Hello. जी कौन बोल रहे हैं? अभी जी चट्टा बोल रहा हूँ, कुछ फोटोज भेजे मैंने आपको। फोटोज? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये आपके हस्बैंड की हकीकत है भाभी जी। लेकिन वो इतना चालाक है कि वो इन फोटोज को भी झूठला देगा, और अगर उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हो तो होटल ड्रीमलैंड के रूम नंबर 103 में उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। होटल में मेरा एक आदमी है जो आपको रूम की डुप्लीकेट चाबी दे देगा। ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? मैं जानती हूँ। जयवीर। Who was she? What the hell? Oh shit! प्रिया तुम? चड्डा जी ने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर अब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। Just get lost. प्रिया, just go to hell. प्रिया। दिया? अरे दिया, मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया? तब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? अर्जुन, आज तो तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। बट डार्लिंग, हुआ क्या? बताओ तो, प्लीज। ये एसएमएस? अर्जुन, सच सच बताओ, ये एसएमएस किस लड़की का है? एसएमएस? विच एसएमएस डार्लिंग? अर्जुन, तुम्हें हनी कहने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तो फिर ये लड़की कौन है जो तुम्हें एसएमएस करके कह रही है कि हनी आई एम वेटिंग फॉर यू? तुम पागल हो, दिखाओ। दिया, कम ऑन यार, ये मुझे नहीं पता, ये तो ऐसे ही किसी ने गलती से मेरे नंबर पर एसएमएस कर दिया। इनफैक्ट इस नंबर के पर्सन को तो मैं जानता तक नहीं, सच।
सच क्या है और झूठ क्या, ये तो मैं भगवान पर छोड़ती हूँ। एनीवेज, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं खाना बना देती हूँ। Get you something to drink, okay? अभी आया। शाबाश मोहित, शाबाश। आज तो लड़की को रूम तक लेकर आ गया तू, और उसके लिए अपनी पत्नी को धोखा भी दे रहा है, उस पत्नी को जो तुझसे इतना प्यार करती है, तुझ पे इतना विश्वास करती है। शर्म आनी चाहिए तुझे मोहित, शेम ऑन यू। मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि 10,000 डॉलियां भी आ जाए ना, तब भी तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। जान, I love you। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे पानी वानी कुछ नहीं चाहिए। अब चलो। कुमल। कुमल। कुमल, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं शादीशुदा हूं। ये तो और भी अच्छी बात है, हम दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं। कोमल, अब सी सी सी, शी इज माय वाइफ एंड माय टू किड्स, क्यूट ना? हाँ, बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट। अब मैं कहना चाह रहा था कि अब मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, पर हम अभी टाइम वेस्ट क्यों करें? कोमल, मेरी बात सुन। कोमल, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हम आज वाला प्रोग्राम पोस्टपोन करते हैं और अभी यहाँ से चलते हैं। प्लीज चलो। काम तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले ये काम तो कर ले। कोमल, मेरी बात सुनो। कोमल, मेरी बात सुनो। मेरी बात, कुछ मत कहो। मेरी बात सुनो प्लीज। कोमल, मेरी बात सुनो। मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। आई लव हर वेरी मच, डिड यू गेट दैट? और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं जेवीर की बातों में आ कैसे गया। डैम इट, आई एम सॉरी नैना, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं आ रहा हूं नैना, मैं आ रहा हूं। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं बात करूंगी ना उससे। वो बिल्कुल इस लायक है ही नहीं माँ। मैं देखती हूँ कौन है। जयवीर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मम्मी जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? तुम अपने आप को माफी के काबिल समझते हो? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मम्मी जी, आपका गुस्सा एकदम जायज है, पर इस वक्त मुझे प्लीज प्रिया से मिलने दीजिए। प्रिया, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। घर चलो प्रिया, घर चलो। घर? किस घर की बात कर रहे हो जय? जिस घर में प्यार के नाम पर धोखा दिया जाता है। हाँ जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी,
लेकिन तुम उस प्यार के काबिल ही नहीं हो जाए, चले जाओ मेरी लाइफ से। तुम शायद सही कह रही हो प्रिया। प्रिया शायद तुम मेरे बगैर जी सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे और सोनू के बगैर नहीं जी पाऊंगा प्रिया। प्लीज फॉरगिव मी प्रिया, घर चलो प्रिया। जय, तुम क्या सोचते हो, इस तरह इसके सामने हाथ जोड़ने से, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा होगा? अगर तुम घुटनों के बल बैठकर इसके सामने नाक भी रगड़ोगे ना, तो भी ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाएगी। तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे ऐसी कौन सी मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी? उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, पार्टी, क्लब, देश विदेश हर जगह घुमाया उसको मैंने। और एक गलती कर दी तो आप लोग मिलकर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। और मम्मी जी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज मेरी मुश्किलें और बढ़ाओ मत, प्लीज। जय, ऐसी बातें करके तुम मेरी नजरों में और भी गिर चुके हो। जय, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऐशो आरामों की भूखी थी? नहीं जय, मैं तो सिर्फ मेरे प्यार के बदले प्यार चाहती थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला, सिर्फ धोखा। शायद मैंने एक पति का हक तो खो दिया, लेकिन एक बाप का हक तो नहीं खोया ना। चल बेटा, घर चलते, मम्मी को बाद में लेके जाएंगे। पापा, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, आपने मम्मी को रुलाया था ना, आई हेट यू। बेटा ये क्या बोल रहा है तू? योर पापा लव्स यू बेटा। प्रिया, आज मेरे बेटे ने मुझे हेट यू बोल दिया, अब मेरी लाइफ में बचा क्या है प्रिया? वाकई में नफरत के काबिल हूं। आज मैं इस मासूम की नजरों में भी गिर गया। हो सके तो प्रिया मुझे प्लीज माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे घटिया, आज आज दिया मुझ पे शक कर रही है, मुझ पे? इन 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिया ने मुझ पे शक किया है। यार, कितनी अपसेट थी वो आज, मैंने उसके दिल को तोड़ दिया यार, मैंने उसके दिल को तोड़ दिया। और ये सब उस साले कमीने जावीर की वजह से हुआ है। ना 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 ना, तुम्हारी बात साव खोटी छे, तुम लोग डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो, यू आर हिपोक्रेट्स। जयवीर जी क्या उंगली पकड़कर तुम लोगों को लेकर गए थे कि ये लड़की के साथ ऐश करो, मजा करो, इधर जाओ उधर जाओ? नहीं ना, तुम लोग जयवीर जी के पास गए थे क्योंकि तुम लोगों को जयवीर जी की जरूरत थी, जयवीर जी को तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम्हें लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था, मैरिड लाइफ में एडवेंचर चाहिए था। और जब तक सब अच्छा जा रहा था तो तुम लोग जयवीर जी की तारीफ करते थे, ही इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। और जब तुम लोग पर मुसीबत आ गई तो जयवीर जी तुम्हारे दुश्मन बन गए। जयवीर जी इज अवर फ्रेंड, जो कुछ हुआ इसके लिए जयवीर जी जिम्मेदार नहीं है, तुम हो, तुम लोग दोषी हो। अगर उसकी बात मानते तो आज हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था, समझा तू? और तेरे को मालूम है, उसने तुम्हें खाई पे ले जाके खड़ा कर ही दिया था, बस खाली धक्का देने की देर थी। अरे लेकिन तुम लोग समझ, लेकिन कुछ नहीं यार, तू बात समझने की कोशिश कर और चुप बैठ, फॉर गॉड्स सेक प्लीज। चंपू, ये लोग सच बोल रहे हैं यार, ये लोग सच बोल रहे हैं, मैं वाकई में कमीना हूं यार, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको बर्बाद करने की। इनफैक्ट तू मेरा साइड ले रहा है, तू मेरा साइड ले रहा है, मैंने तुझको कितना जलील किया यार। नहीं नहीं नहीं, तेरा कितना मजाक उड़ाया मैंने, तुझको मैंने फट्टू बोला यार, इनफैक्ट मेरा खुद का मजाक बन गया है अब, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई यार, आज मेरा बच्चा मुझे बोलता है हेट यू पापा, आई हेट यू पापा, आई हेट यू पापा, ही टोल्ड मी यार, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे का क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, उन्हें सिर्फ 2 पल हुए गए हुए और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ बिखर चुकी है, उनके बगैर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ यार। आई सल्यूट यू मोहित, मैंने तुझे कितना बहकाया यार, कितना बहकाया तुझे मैंने, लेकिन तू टस से मस नहीं हुआ यार। अर्जुन, तू तो मेरा इतना प्यारा, इतना पुराना दोस्त है यार, मैंने तुझको भी यार एक खाई की तरफ धकेलने की कोशिश की यार। इनफैक्ट मुझे अब एहसास हो गया कि सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे यार, भले फिर वो अमीर हो, चाहे फिर वो गरीब हो, चाहे वो चालू हो या फिर वो सीधा हो यार, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि शादी के बाद हम सबकी प्रायोरिटी चेंज रहती है। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी वो लड़कियां नहीं होती है, लड़कियां तो कभी भी नहीं होती है, हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी वाइफ
हमारा बच्चा और हमारा करियर, और मैं सब भूल गया था, सबको ठोकर मार दी मैंने यार, सब भूल गया सिर्फ एक अय्याशी के लिए। भगवान से प्लीज प्रार्थना करना यार कि मेरी बीवी मुझे, मेरा बच्चा मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए यार। आई रियली मिस देम यार, आई रियली रियली मिस देम यार, आई लव माई वाइफ। जयवीर जी, जयवीर जी, मोहित, चंपू, यार मैं जयवीर को तुम लोगों से पहले का जानता हूं, पर इससे पहले मैंने उसकी ये हालत कभी नहीं देखी यार। यार बीवी बच्चे छोड़ के चले गए ना, शायद इसलिए। हाँ यार, यार अर्जुन, जयवीर की हालत तो हम लोगों से भी ज्यादा बदतर है यार। सच में यार, आज जयवीर जी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यू राइट चंपू, हम जयवीर की मदद जरूर करेंगे। हाँ मोहित, चंपू, हम जरूर मदद करेंगे यार, कुछ भी हो, है तो हमारा दोस्त ना। पता यार, मर जाता ना, अब कम से कम इस लाइफ से छुटकारा तो मिल जाता। जय, और वैसे भी मेरी लाइफ में बचा ही क्या है। जय, प्रिया, नहीं जय, तुमने कुछ नहीं खोया है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुमसे हमेशा से ही बहुत प्यार करते हैं, और आज भी तुम्हारे लिए जीते हैं, और तुम मरने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता जय, हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाते, नहीं कभी नहीं जय, आई लव यू। ओए कसके पकड़ थोड़ी है। आज इतना मजा आ गया कुड़िए। वेरी गुड, ये नहीं सुधरेगा, लेकिन एक दिन जब अपने बीवी और बच्चों को खो देगा ना, तब ये भी लाइन पे आ जाएगा। जयवीर, अब तुझे समझ में आई क्या कि देयर इज नो लाइफ विदाउट वाइफ। आई एम प्राउड ऑफ यू जयवीर। थैंक्स, अब प्लीज बार बार आके पकाना मत यार। बाय।